एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एनर्जी ओरेकल से लूँगी कुछ कार्ड्स और कुछ कार्ड्स मैं लूँगी टैरो से, ताकि हम मिक्स करके देख सकें कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। थ्री ऑफ चैलेंजेस, वीवर ऑफ बोन्स, द फोर्ज, कीपर ऑफ चैलेंजेस, मूनलाइट, द मजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर एनर्जी विद ओवरऑल एनर्जी ऑफ एस ऑफ वांड्स। ओके, तो साइन बता देती हूँ गाइस, यहाँ पर एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, मींस अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। फिर हमारे पास है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जिसमें पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव सेजिटेरियस एंड एरीज एनर्जी, मतलब एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। तो सभी साइन है गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग रीडिंग की शुरुआत हुई है थ्री ऑफ चैलेंजेस से, मतलब इनका दिन का शुरुआत बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ये दुखी हैं, दुखी शुरुआत हुई है। क्यों दुखी शुरुआत हुई है? बिकॉज़ ये, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है दूसरों के लिए, बहुत स्ट्रगल किया है खुद के लाइफ में, लेकिन जब इनकी लाइफ में बैलेंस आना चाहिए था, जब इनको एक सही डिसीजन लेना चाहिए था, तब इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। अपने गुस्से की वजह से, अपने लॉजिकल माइंड की वजह से, अपनी बहुत ज़्यादा मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की वजह से इन्होंने उस पर्सन से दूरियां बना ली हैं, या उस पर्सन को तकलीफ़ दी है जिस पर्सन ने इनको कभी तकलीफ़ नहीं दी, इनके लिए हमेशा अच्छा ही चाहा है। तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है अंदर अंदर, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन इनसे इतना प्यार करता है, बट इन्होंने हमेशा ईगो की एक बिल्डिंग, एक बाउंड्री सेट कर रखी थी। अपने आप को बहुत रूड दिखाया इन्होंने, हमेशा अपने आप को बहुत हार्श एनर्जी में रखा है आपके लिए, और ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अब तकलीफ़ दे रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आपको खो न दें। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके पर्सन के, इमोशंस बहुत हाई हैं और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनको सही वर्ड्स नहीं मिल रहे कि ये बोलें क्या। मैजिशियन का कार्ड है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। पैशनेट भी हैं, रोमांटिक एनर्जी भी है, प्लस यहाँ पर बैलेंस आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, मतलब एक तरह से ये मनाना चाहते हैं आपको इस रिश्ते के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है और अब सही समय है जब इन्हें एक्सप्रेस करना ही होगा। अगर अभी भी इन्होंने ईगो का दामन थामा रहा या ईगो में रहे या स्टबर्न बनकर बैठे रहे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, अथॉरिटी की एनर्जी है विद न्यू बिगिनिंग। तो ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। लेट्स चेक कि एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं, इस वक्त आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सो वी हैव गॉट द थिंकिंग वुमेन, चाहे वो वुमेन हो या मेन हो, बट बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है किसी मुद्दे पर। मुद्दा है यहाँ शादी, कमिटमेंट और लोग, समाज, सोसाइटी। क्या आपसे प्यार करते हैं आपके पर्सन, क्या मिस कर रहे हैं आपको,
बहुत प्यार करते हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए, तो थोड़ा डाउट की एनर्जी, आखिर आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों है, ऐसा कौन सा आपका बिज़नेस चल रहा है फ़ोन पे जो आप 24 घंटे ऑनलाइन बैठे हैं, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। ये आपको लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव एनर्जी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको जस्टिस दें, ये अपने दिल दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसे एक्सप्रेस कर दें। अगर इन्होंने अब एक्सप्रेस नहीं किया तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी और आपको जीतने के बजाय कहीं ये आपको हार ना जाएं। तो ये इनकी वाइब्रेशन है अभी इस वक्त, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, केयरिंग कनेक्शन है। जो भी चीज़ ये आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपके और इनके फ्यूचर से रिलेटेड है। सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी इनके सबकॉन्शियस माइंड में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो सब आपको बता देना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। और आप पर अगर कोई डाउट है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करने की एनर्जी है, तो ये क्वेश्चन भी करेंगे कि तुम्हारे लाइफ में उसकी क्या ज़रूरत है, उससे क्यों बात करते हो या करती हो, वो तुम्हारे लाइफ में क्यों है, वो उसने ऐसा क्यों किया, या तुम उसके साथ कहाँ गए थे, जैसे कि इनको सारी डिटेल पता है और ये आपसे ही सब बाहर निकलवाने की कोशिश है। प्लस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपनी लाइफ में क्या जॉब कर रहे हो, क्या बिज़नेस कर रहे हो, जॉब में कहाँ पे कौन आपका फ्रेंड है, कौन आपके लाइफ में इंटर किया है, घुमा फिरा के ये चीज़ें पूछेंगे। और हो सकता है कि आप इन्हें जेलस कराने के लिए कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बता भी दो, तो ये चीज़ें यहाँ पर है, मतलब ये आपसे सारी चीज़ें बाहर निकलवाना चाहते हैं, उगलवाने की एनर्जी है, तो ये वाइब्रेशन यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ सॉलिड एक्शन ले पाएं। देखते हैं क्या एक्शन ले पाएंगे या ले पाएंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। हमें एक बार में 4 कार्ड्स मिले हैं, वी हैव गॉट 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ऐसा क्यों लग रहा है 2 कार्ड है, द डेविल एंड डेथ, 1 मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर वी हैव गॉट 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, तो जो कोई और है, जो भी डेविल एनर्जी है या जो भी पास्ट लाइफ कर्मा है या जो भी नेगेटिविटी है, या तो इनकी खुद की कोई बैड हैबिट्स हैं या इनके लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वो टॉक्सिक सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं, बिकॉज वी हैव गॉट डेविल एंड डेथ टुगेदर। तो यहाँ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और आपके पर्सन को थोड़ा ट्रिगर भी मिलेगा, और यहाँ पर ये क्विक डिसीजन लेंगे उन सिचुएशन से मूव ऑन करने का। यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी है और एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी है। तो फ़िलहाल आप दोनों के रिश्ते में अभी फ़िलहाल आने वाला कुछ दिन आपके लिए हैवी होगा, स्पेशली 2 दिन। आने वाले 2 दिन के अंदर आपके पर्सन आपको रीच आउट तो करेंगे, मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना वो थोड़ी ड्रेन रहेगी, क्योंकि आज टैरो से जो पहला मैंने कार्ड लिया था उसमें भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया था, 3 ऑफ चैलेंजेस, और नेक्स्ट एक्शन में भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो कुछ चीज़ें इन्हें हर्ट कर सकती हैं, या फिर ये ऑलरेडी घायल हैं, ट्रिगर्ड हैं, और ये आपकी तरफ आ सकते हैं ताकि आप इन्हें हील कर सकें, आप इन्हें थोड़ी एक पॉजिटिविटी दे सकें, और ये आपके साथ एक दूर तक का जो प्लानिंग है वो कर आने वाले हैं। तो यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट तो आपको मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, थोड़ा सा आपको वेट कराएंगे ये, और ये जो वेटिंग एनर्जी है, इस वेटिंग एनर्जी के दौरान ये चीज़ें घटित होंगी, ये जो चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी लोगों को ये पर्सन को ये ट्रिगर मिल चुका है, और काफ़ी लोगों के पर्सन इस ट्रिगर से इस वक्त गुज़र रहे हैं, ठीक है। प्लस आपके साथ भी थोड़ा
कठोर व्यवहार हो सकता है, जैसे कि रूड व्यवहार हो सकता है। बात भी करेंगे, डांटेंगे भी, शिकायतें भी करेंगे, किसी बात का मुद्दा बनाकर झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन सॉर्ट आउट भी कर लेंगे, छोड़ कर नहीं जाएंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे। ये एनर्जी है, ठीक है, अपना हक जताने की एनर्जी है। थोड़ा सा डोमिनेंस आपको इनका नज़र आ सकता है, स्पेशली आने वाले 2 दिन के अंदर। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में। परफेक्शनिस्ट, कोई भी इस धरती पर देखिए परफेक्शनिस्ट नहीं है, किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां हैं, तो अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश ना करें, अपने स्टैंडर्ड को हाई रखें, उतना एनफ है। नेक्स्ट वी हैव राइज अबव, अपने आप को असेंड करने की कोशिश करें, हायर पर्सपेक्टिव देखें, छोटी छोटी बातों पर इमोशनली ड्रेन होने के बजाय दूर की सोचें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, करंट सिचुएशन पे प्री जज ना करें सिचुएशन को। सोल सर्चिंग की एनर्जी है, इट्स टाइम टू गो विद इन एंड अनकवर योर ट्रू फीलिंग्स। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होंगे और इसकी रिक्वायरमेंट भी है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, तो कनेक्ट विद योर स्पिरिट। सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके सामने कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड ट्रूथ अनफोल्ड होंगे जब आप अपने स्पिरिट से कनेक्ट होंगे। डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ लोगों के लाइफ में सडनली एक मिरेकल होगा और सडनली आपको आपके पर्सन की तरफ से या आपकी लव लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस नज़र आएंगे। आने वाला 2 दिन आपका हार्ट हैवी हो सकता है और बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है, पर्जिंग की एनर्जी है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आपको फील हो सकते हैं। ये भी एंजल्स की तरफ से आपके लिए, आप इसे गाइडेंस समझ लें या वार्निंग समझ लें। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।